हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव यू नेचर विद अश्वथ। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से हमने अपने गार्डन की शुरुआत की, हमारी गार्डनिंग की शुरुआत कैसे हुई और इस सब के पीछे मेरा मोटिव क्या है। बहुत सारे मेरे दोस्त, आप जैसे लोग, आप साथी केवल ये सोचते ही रहते हैं कि हम गार्डनिंग की स्टार्ट करें, हमारे पास भी फूल पौधे हों, क्यारियाँ हों, हरियाली हो, नेचर हो, लेकिन वो कभी शुरू नहीं कर पाते। उन्हीं में से कुछ समय पहले तक मैं एक था और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये करना शुरू किया, किस तरह से मैंने इस बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा और कैसे मैंने इसको इम्प्रूव किया। डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे मैंने ये सब किया और आप देखेंगे कि हमने माइंड ब्लोइंग एक गार्डन एस्टेब्लिश किया है और हम चाहते हैं कि इसी तरह की गार्डनिंग की शुरुआत आप हमारे साथ करें। हम वन बाय वन स्टेप में इसके ट्यूटोरियल्स बताते चलेंगे। घर में ही बिताना पड़ा। ऐसे में मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में रहते हैं एक एक्स आर्मी मैन श्री राम कुमार चौधरी जी व बाला चौधरी जी। मैंने देखा कि वो लोग जिस तरह से फौजी जी देश की सेवा में जिस लगन के साथ लगे रहे होंगे, उसी अनुशासन और डेडिकेशन से अपने बाग बगीचे और पौधों का रख रखाव करते थे और अपने गार्डन की केयर करते थे। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे कहा या कहिए कि उनकी प्रेरणा से मैंने भी अपने दो चार गमले घर में थे लेकिन कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मैंने धीरे धीरे गार्डनिंग की शुरुआत की। और गार्डनिंग की शुरुआत जब की तब धीरे धीरे मुझे उसका ज्ञान हुआ कि इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट हैं और एक अंदर से मन के अंदर से जो सुकून और संतुष्टि का एहसास होता है अंदर से, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों, आने लगा। बस फिर क्या था, हमने दौर शुरू हुआ नॉलेज गेन करने का, टाइम के साथ साथ रिसर्च करने का और अपनी गार्डनिंग को एक्सपेंड करने का। समय के साथ साथ मैंने प्लांट्स और पौधों के बारे में बहुत जाना, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, सीजनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, शर्ब्स, बहुत तरह से उसके ऊपर रिसर्च किया, प्रैक्टिकल किए और धीरे 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 वो चीज़ें हमने शुरू की और आज प्रेजेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा माइंड ब्लोइंग एक ऑसम गार्डन हमने अपने घर की छत पे बनाया है और ऑर्गेनिकली वेजिटेबल जो ग्रो कर सकें उसके लिए हमने अपने पास किए। दोस्तों ये चैनल शुरू करने के पीछे मेन बस इतना सा इंटेंशन है कि जैसे हम लोग चौधरी साहब से इंस्पायर हुए, हम और हमारी श्रीमती जी इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही हैं, जैसे हम लोग चौधरी साहब से, बाला देवी जी से इंस्पायर होके हमने शुरुआत की, वैसे ही ये चैनल लव यू नेचर विद अश्वथ आपके लिए एक इंस्पिरेशन बने, आपके लिए गाइड का, एक कोच का काम हमारे साइंटिफिक और प्रूवन, प्रैक्टिकली प्रूवन वीडियोज आपके लिए काम कर सके। तो दोस्तों आइए हम सब जुड़े फिर से नेचर के साथ, फिर से नेचर के साथ घुले मिलें और अपने जीवन में नेचर के कुछ रंग भर के उसे रंगीन बना सके। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे लिख सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। साथियों लीजिए, साथियों जैसा कि मैंने बताया था मेरे घर के बराबर में एक छोटी सी खाली जगह है, मैं उस जगह पर आपको ले आया हूँ। ये देखिए मैंने ये लौकी की या घिया जिसको कह देते हैं वो बेल लगाई हुई है एक छोटी सी जगह में ही। किस तरह से उसको एडजस्ट किया है मैंने, उसके लिए रस्सी का और दो मोटी बांस वाली बल्लियों का जो सेटरिंग के टाइम पर इस्तेमाल होती हैं उसका इस्तेमाल किया है। आज मैं इन पर थोड़े शहद का स्प्रे करूँगा ताकि जो पॉलिनेशन है उसकी ग्रोथ तेज हो सके, जो पॉलिनेशन वाले कीट हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूटिंग मेरी बेल ये दे सके। ये गोल वाला घिया है दोस्तों, जिसको लाटू घिया भी बोलते हैं, चकई भी बोल देते हैं, उसके ऊपर शहद वाला स्प्रे मैंने किया है दोस्तों। और ये करेले की बेल है, इस पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। इस पर भी मैं थोड़ा शहद का स्प्रे करूँगा, इससे ये एक फीमेल फ्लावर बना हुआ है, ये घिया आप देख पा रहे हैं। यहाँ इधर आप देखिए ये मेरी ककड़ी की बेल है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस पर भी हो रखी है और काफ़ी फल भी मैं इससे ले चुका हूँ। कई बार हम इससे स्वादिष्ट और बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक
इस वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए मैंने किसी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ग्रोथ बूस्टर नहीं, कोई इंजेक्शन। ये देखिए कितना सुंदर टोमेटो, मुझे याद नहीं है हमने अब से पहले 2-3 महीने पहले से कब से टोमेटो नहीं ख़रीदा है, टमाटर कभी ख़रीदा ही नहीं है, 2-3 महीने हो गए। और ये घर का अपना देसी अच्छा टमाटर है। ये ब्रिंजल बैंगन पे अभी बैंगन आना शुरू हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। ये घास वास में 1-2 दिन में निकाल दूँगा, मैं साफ़ कर दूँगा बिल्कुल, फिर आप देखिएगा ये बड़ा अच्छा। ये बीच में एक क्यारी खाली पड़ी थी तो मैंने उसमें कुछ सूरजमुखी के बीज लगा दिए थे, वो सूरजमुखी भी ग्रो हो रहा है। अभी 2 दिन हुए इस फूल को खिले हुए, बड़ा फूल जब खिल जाएगा पूरा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का बड़ा फूल आएगा। कलियाँ भी आ रही हैं बहुत सारी, बर्ड्स देखिए आप आ रही हैं, सभी खिलेंगे तो ये पूरी गुलजार हो जाएगी ये क्यारी। ये सूरजमुखी का पौधा करीब 5 फीट 5.5 फीट तक हो जाता है, बड़ा बेहतरीन फूल लगता है। ये देखिए साथियों 2 दिन बाद का, ये नीचे से मैंने क्लोजर शॉट लिया, कितना बेहतरीन रशियन जीएंट इसकी कैटेगरी है वो आप देख पा रहे हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया मेरे पास जो घर के बराबर में छोटी सी जगह है खाली, इसको हमने तैयार करके और इसमें अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स लगाए हैं। ये सारे वेजिटेबल्स मैं भले ही अपने घर की ज़रूरत के बराबर ना उगा सकूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर 1 हफ्ते में 2 दिन, केवल 2 दिन के लिए मैं और मेरा परिवार शुद्ध, बिना किसी हानिकारक केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के, ग्रोथ बूस्टर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, उसके बिना किसी टॉक्सिन के मेरा परिवार और मैं 2 दिन भी अगर साफ अच्छी सब्जी खा सके तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और दूसरी बात साथियों ये है कि जिन लोगों के पास में इतनी जगह भी अवेलेबल नहीं है, केवल रूफ टॉप है, वो होम गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गमला इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी यूज़ कर सकते हैं, आधा कटा हुआ ड्रम यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप इन सब्जियों को अपने घर की छत पे या जहाँ भी जगह है वहाँ उगा सकते हैं। और इसके लिए मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कितना बड़ा साइज़ का पॉट होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी में हम उगा सकते हैं, क्या उसकी केयर के टिप्स होने चाहिए, और कैसे हम उससे अच्छी चीज़ें जानने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत मिले तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तुरंत के तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्द से जल्द देख के आप एक हेल्दी बागवानी शुरू कर सकें। तो साथियों विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं। थैंक यू।